हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जिसने भी इस वीडियो पे क्लिक किया है उसके लिए थैंक यू सो मच, मेरी लास्ट वीडियो पे क्लिक करने के लिए, इस ईयर की लास्ट वीडियो पे क्लिक करने के लिए। लेकिन वैसे तो मैंने ये वीडियो 31 दिसंबर को बनाई हुई है, बना रही हूँ मैं अभी ये वीडियो, लेकिन ये पोस्ट करते करते 1 जनवरी हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, बट फिर भी ये लास्ट वीडियो है। ईयर के एंड में सब लोग अपनी अच्छी अच्छी मेमोरीज याद कर रहे हैं और सबको ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात भी है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी YouTube फैमिली के लिए भी, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब किया है और जिनको मैं जानती नहीं हूँ और वो मुझे भी नहीं जानते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और उन सबका प्यार। मैं ये वीडियो सिर्फ उन लोगों की को थैंक यू बोलने के लिए बना रही हूँ और ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहिए। और वैसे मुझे ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है YouTube पे, बट फिर भी जो भी मेरे लास्ट मंथ, जो भी मैंने कुछ अपने छोटे से टाइम पीरियड में सीखा है, उसमें से मैं कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक कि सारे जो भी YouTube पे चैनल बनाना चाह रहे हैं उन सबको पता होना चाहिए। जो मेरी तरह न्यू है, अभी बेचारे न्यू यूट्यूबर हैं जिनको नहीं चीज़ें पता हैं ज़्यादा, तो वो उन सब के लिए ये छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगी। तो पहली बात ये है कि आप सभी को स्टॉप ओवर थिंकिंग, जो भी चैनल बनाना चाहते हैं वो ज़्यादा सोचें नहीं, क्योंकि हम सब लोग क्या होता है कि फालतू की चीज़ें सोचते हैं कि अब हम बनाएंगे तो पता नहीं लोग हमारी वीडियो देखेंगे कि नहीं देखेंगे, और इतने बड़े चैनल्स हैं पता नहीं लोग हमारी वीडियो देखेंगे कि नहीं देखेंगे। बट ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप लोगों की वीडियोस के लिए बने हैं, जिनको आपका कंटेंट पसंद आएगा। अगर आप अच्छा बनाओगे, दिल से बनाओगे, तो आपका कंटेंट सबको पसंद आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि स्टॉप थिंकिंग अबाउट बैकग्राउंड्स, टूल्स और क्या है क्या नहीं है। जो है आपके पास उसी से करो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, अब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ फैंसी सा बैकग्राउंड चाहिए। बहुत सारे लोग, मतलब मैं उनमें से भी हूँ कि हाँ हमारे पास अच्छा सा बैकग्राउंड नहीं है, हम कैसे वीडियो शूट करेंगे, क्योंकि लोग अच्छे अच्छे से बैकग्राउंड पे वीडियो शूट करते हैं। तो बैकग्राउंड कोई नहीं देखता, मतलब अच्छा होना चाहिए, बट आप प्लेन कोई भी बैकग्राउंड पे वीडियो बना सकते हो, बस थोड़ा मैसी नहीं होना चाहिए कि ये सामान रखा हुआ है इधर भी ये वो। और दूसरी बात ये है कि सबके पास मोबाइल तो होता ही है, अगर आपके पास नहीं है आप अपने मम्मी का मोबाइल लो, पापा का मोबाइल लो, बना लो वीडियो। वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है, इनिशियली आप छोटी शॉर्ट वीडियोज बनाओ, ठीक है। और जैसे ट्राईपॉड, तो ट्राईपॉड इतना नेसेसरी नहीं है। अब लोग ऐसा बोलते हैं हमारे पास तो ट्राईपॉड ही नहीं है, हम कैसे बनाएंगे वीडियो ये वो ऐसा ऐसा करके, बट ट्राईपॉड इतना ज़रूरी नहीं होता। इतने सारे हैक्स होते हैं, आप कैसे भी ट्राईपॉड बना सकते हो। मैं आपको अपना पुराना ट्राईपॉड दिखाती हूँ, आपको ना हंसी आएगी, कोई हंसेगा नहीं, ठीक है। ये देखो, ये सी मेरा पुराना ट्राईपॉड, ये बॉटल पे मैंने ये सेल्फी स्टिक लगाई हुई है, ये देखो, ये मेरा पुराना ट्राईपॉड था और अभी तो मैंने न्यू परचेज कर लिया। और वैसे मैं बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं था कि मैं ट्राईपॉड बाय नहीं कर सकती, इट्स जस्ट कि मेरे को खरीदना ही नहीं था, मेरा ऐसे ही काम चल रहा था तो मैंने खरीदा ही नहीं ट्राईपॉड। तो अभी मेरे पास वैसे नया ट्राईपॉड है जिसपे मेरा फ़ोन लगा हुआ है, तो मैं अभी दिखा नहीं सकती हूँ। तो बस यही है कि आपको चीज़ों के बारे में इतना नहीं सोचना है, मतलब कि आपके पास ये नहीं है वो नहीं है, जो है आपके पास वही रिसोर्सेज को यूज़ करके आप अपनी वीडियोज़ बना सकते हो। तो थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट, आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बी कंसिस्टेंट। आपको अपने चैनल पे कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग तभी पसंद करेंगे ना जब आप रेगुलर वीडियोस डालोगे। अब आप पहले, जैसे मैं पहले करती थी कि एक वीडियो मैंने मार्च या अप्रैल में डाल दी, फिर एक उसके बाद डाल दी, तो फिर ऐसे नहीं चलेगा। आपको, अगर आप, कोई आपको सब्सक्राइब क्यों करेगा, कोई सब्सक्राइब तो अभी करेगा ना, जब आप उनको रेगुलर कंटेंट दोगे, अच्छा कंटेंट दोगे और आप रेगुलर वीडियोस बनाओगे, तो ही आप में क्या बोलते हैं, इम्प्रूवमेंट होगी। अदरवाइज काफ़ी मुश्किल है ग्रो करना आज के टाइम पे, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, सबको पता ही है, ठीक है। तो आपको कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा अपने चैनल पर। तो और फोर्थ और सबसे इजी पॉइंट है, आई कैन से, कि बी ओरिजिनल। तो आपको किसी की कॉपी नहीं करनी है, किसी का भी कंटेंट कॉपी मत करना। मैंने ऐसे बहुत सारे ऐसे चैनल देखे हैं जो दूसरों का कंटेंट अपने चैनल पे डाल देते हैं, तो ये सीरियसली अगर देखा जाए तो आप किसी और की मेहनत को आप कैसे यूज़ करके आप ग्रो करोगे, मतलब ये सोचने वाली बात है।
बट ऐसा नहीं करना चाहिए वैसे तो, सही बात है, कंटेंट लाओ, अपने आइडियाज लाओ। और दूसरी बात ये है कि आप दूसरों के चैनल से इंस्पायर हो सकते हो, उसका कंटेंट अपनी चैनल पे क्यों डालना, ठीक है, अपनी वीडियोस बनाओ, ओरिजिनल रहो, किसी की आइडियाज़ को कॉपी मत करो, क्योंकि ऐसे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि अगर आप किसी का कंटेंट कॉपी करोगे तो लोग आपको क्यों सब्सक्राइब करेंगे, ओरिजिनल वाले को सब्सक्राइब करेंगे ना, आपको क्यों करेंगे, आपके चैनल को क्यों देखेंगे वो। तो इसीलिए हमेशा आप अपने कंटेंट को लेके ओरिजिनल रहो, इंस्पायर हो सकते हो लेकिन कॉपी नहीं करना, ठीक है। तो ये पॉइंट सबको ध्यान रखने चाहिए आई थिंक, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये भी है कि आप अपने अपने आप को कंपेयर मत करो किसी से, क्योंकि देखो सबकी ग्रोथ अलग होती है, सबकी ग्रोथ अलग होती है। आप इसको ऐसे कंपेयर करो कि उसके तो एक महीने में इतने सब्सक्राइबर हो गए, मेरे इतने नहीं हुए, या ये हो गया उसकी तो वीडियो वायरल हो गई, आपकी नहीं हुई वायरल, तो ऐसा नहीं होता। किसी को टाइम लगता है ग्रोथ में, किसी को टाइम लगता है, कोई 10 दिन में 100 सब्सक्राइबर कर लेता है, कोई 1 महीने बाद 100 सब्सक्राइबर करता है, मतलब सबकी ग्रोथ अलग होती है, सबकी चीज़ें अलग होती हैं। तो आप अपने आप को कंपेयर मत करो, क्योंकि कंपेयर करोगे तो फिर डीमोटिवेट होने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैंने सोचा था मैं सिर्फ 1-2 मिनट की छोटी सी वीडियो बनाऊँगी, बट मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा ज्ञान वाली वीडियो हो गई है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और जो इस चैनल में पहली बार आया है प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप चाहो तो कमेंट्स के थ्रू मुझे बता सकते हो कि आप कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। मैं डेफिनेटली अगर मैं बना सकती हूँ तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। और थैंक यू, बाय, हैप्पी न्यू ईयर।